गुड मॉर्निंग क्लास, आई होप आई एम सॉरी आई एम लेट. सॉरी. सो बेसिकली टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 3, पार्ट 7 ऑफ क्लास 9, मोमेंट्स ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन विच द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर इज महेंद्र द मास्टर एंड द ईश्वरन द कुक. सो बेसिकली वॉट वी नो दैट द ईश्वर इज अ वेरी गुड एंड ब्यूटिफुल स्टोरी टेलर. ही टोल्ड द स्टोरी वेरी ब्यूटिफुली एंड ही equally make the people threaten and frighten of his story. He makes the beautiful suspense and the beautiful horrible stories and adventures too. So keh sakte hain ki page number 16 pe hum log pad rahe hain. Yes, so page number 16 pe hum logon ne padha ki jab ek story narrate kar raha tha Ishwaran to the Mahendra that on the full moon he went to whenever he went and whenever he came at the factory place, at the factory area where he know that it was a burial ground ka matlab hai ki it is a kind of kabristan or where the people are buried. So now उसका ये कहना था कि यहाँ पर मुझे बहुत सारे स्कल्स और स्केलेटन्स के पार्ट्स देखने को मिले. दैट वाज रियली हॉरिबल. जबकि मैं बहुत ब्रेव हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों से डर नहीं लगता है. बट वंस और टू टाइम आई हैव सीन एंड फ्राइटेंड बाय अ हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन विच अपीयर ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून. And it is an ugly creature with matted hair and shivered face and skeleton holding a fortress in its arm. So that was really scary. That the Ishwaran was saying, उसका ये कहना था कि मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है. पर उसका ये कहना था कि जब पूरा चांद निकलता है और उसे एक औरत दिखाई देती है अक्सर ही, जो कि जिसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है, अगली है और उसके बाल बहुत ख़राब है, और वो जब पूरा चांद निकलता है वो तभी वहाँ पर आती है. सो बेसिकली उसने अपनी इमेजिनेशन हो या जिस भी तरीके से उसने अगली क्रिएचर के बारे में महेंद्र को ऐसा एक्सप्लेन किया कि महेंद्र कहीं ना कहीं इंटरनली उसे थोड़ा सा फील हुआ कि दैट मे बी ट्रू. सो महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन. तो उसने कहा कि पहले तो वो थोड़ा डरा उसके डिस्क्रिप्शन से, उसके समझाने के तरीके से. फिर उसने उस बात को काटा और कहा कि तुम क्रेजी हो ईश्वरन, देयर आर सो मच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स. तो उसने कहा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ना कोई घोस्ट होता है और ना स्पिरिट होती है. इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन एंड मे बी योर हेयर एज वेल. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. तो कह सकते हैं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारी बॉडी में हम लोगों को फूड डाइजेस्ट करने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे माइंड में जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं उसे भी हमें डाइजेस्ट करना चाहिए, ना कि उसे ओवर कुक करके हमें उसे और इमेजिन करके उसे एक्सप्लेन करना चाहिए, राइट? सो इसी वजह से उन्होंने कहा कि अपनी इमेजिनेशंस को रोको और इन सारी चीज़ों के मतलब नॉनसेंस के बारे में बात ना करो. नाउ ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क for a couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook was cheerful and talkative as ever. मतलब पहले तो उस कमरे को छोड़कर महेंद्र चला गया और वो सोच रहा था कि हो सकता है कि ईश्वरन एक या दो दिन के लिए दुखी रहे, पर ऐसा नहीं हुआ. अगले ही दिन की सुबह वो सरप्राइज हुआ जब उसने देखा कि कुक बहुत खुश है और बातें कर रहा है. फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड फॉर अ कर्टन एंड ईज. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark spacious shapes in the vicinity, but he could only see a sea of darkness that was the twinkling light of factory miles away. Matlab ab kahin na kahin ईश्वरन तो नॉर्मल हो गया, पर
थोड़ा बहुत जो डर था वो महेंद्र के माइंड में अभी भी था। और उस दिन से महेंद्र ने क्या किया, बहुत ही ब्रेवली वो बात करता था। भले वो बिस्तर पे जाता तो उसको इजीली नींद नहीं आती थी, क्योंकि वो हर रात अंधेरे में झांकता और ये चेक करता कि आसपास हमारे बेड के आसपास, विंडो के आसपास तो क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मूवमेंट कर रही है डार्क में। और लेकिन जब भी वो देखता तो उसे सिर्फ दूर तक एक अंधेरा और ट्विंकलिंग लाइट्स, यानी कि चमकती हुई लाइट जो फैक्ट्रीज के माइल्स से आ रही थी, वो दिखाई देती। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon night. मतलब जब एक पूरा चांद निकलता है तो कह सकते हैं उस दिन उसने, उसको बहुत पसंद था कि जिस दिन पूरा चांद निकले तो वो उस लैंडस्केप्स को देखे कि उसके ऊपर कितनी अच्छी रोशनी पड़ रही है। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द मेल ऑफ द फीमेल होस्ट, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। मतलब उसे बहुत पसंद था फुल मून के टाइम पे लैंडस्केप्स को देखना, वहाँ के जानवरों को देखना, वाटर बॉडीज़ को देखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ द वाइट क्रीमी लाइट। सो बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि जब ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, सो ईश्वरन की स्टोरी, भले उसको ये सब पसंद था लेकिन जब उसने ईश्वरन की स्टोरी सुन ली कि उस रात पे एक घोस्ट वुमेन आती है जो कि एक घोस्ट है, और फिर वो अवॉइड करने लग गया अपने विंडो से बाहर भी देखने के लिए। वन नाइट महेंद्र वॉज ब्रोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। तो कह सकते हैं एक रात की बात है, महेंद्र अचानक से उठा अपनी नींद से जब उसको अचानक से एक आवाज़ खिड़की के पास से रोने की आई। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस, बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। मतलब कह सकते हैं पहले तो उसे लगा कि कोई कैट होगी जो चूहे के लिए रो रही होगी, पर जब उसने ध्यान दिया तो उसे ऐसा लगा कि ये आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैसी है, भारी है इन कंपेरिजन टू कैट। ही रजिस्टर्ड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट द लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच शुड स्टॉप हिज हार्ट, बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो स्ले, ही लुक्ड आउट ऑफ द वाइट शीट ऑफ द मूनलाइट साइड, देयर इज नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउड, ही वॉज क्लचिंग अ बंडल। महेंद्र ब्रोक इन टू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक टू द पिलो पैंटिंग। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्ट्रिक एक्सपीरियंस, ही बिगन टू रीजन विद हिमसेल्फ, ही फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सब कॉन्शियसनेस हैज प्लेड ऑन हिम। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से उसके अंदर जिज्ञासा थी कि वो जाए और उन चीज़ों को देखे, और जैसे ही वो उस जगह को बाहर जाने के लिए देखता है तो दूर दूर तक उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, बस उसे ऐसा लगता है कि कोई डार्क क्लाउड है जो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बंडल्स बना रहे हैं। अचानक से ये सारी चीज़ें देखकर महेंद्र डर जाता है और उसके सारे बॉडी में पसीने निकल आते हैं और वो भागकर अपने पिलो पर पहुंचता है, सांस लेता है और वो ये समझ पाता है कि उसको एक बहुत ही डरावना सा एक्सपीरियंस मिला है, जो कि कहीं ना कहीं ये कंक्लूड करता है कि उसने अपने माइंड को मेकअप किया कि हो सकता है ये कोई ट्रिक होगी या कोई उसे प्ले कर रहा होगा उसके ऊपर। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, हैड अ बाथ एंड केम आउट टू हैव दिस ब्रेकफास्ट, द हॉरर ऑफ प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with the features in its arm? You were so angry with me for imagining things. When you saw her yourself last night, I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room." A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his paper, resolving the leave the haunted place the very next day. तो कह सकते हैं कि यहाँ पे ये बताया गया कि जैसे ही ईश्वरन और महेंद्र वहाँ सुबह उठे और उन्होंने नहाया, ब्रेकफास्ट किया, और जैसे ही महेंद्र उस की पहली रात के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक से ईश्वरन बोला कि
सर आपको याद है मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी फीमेल घोस्ट के बारे में, और आपने मुझसे कहा था कि अपने इमेजिनिंग थिंग्स बंद कर दो, लेकिन मैंने लास्ट राइट आपको देखा कि आपने उस लेडी को देखा है, और मैं भागते हुए आपके कमरे में आया और वहाँ से रोने की आवाज़ आपके कमरे से आ रही थी, और महेंद्र की जो बॉडी में एक तरह की गई कपकपाहट मच गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कम्प्लीट ए सेंटेंस, उसने वेट नहीं किया कि ईश्वरन उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो भागते हुए उस कह सकते हैं उस ऑफिस पे गया, अपने ऑफिस पे गया, हैंडेड इन हिज पेपर रिसॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। तो आर के लक्ष्मण के द्वारा ये जो चैप्टर है लिखा गया है, और इसमें इन्होंने बताया कि जिस जगह पर वो रह रहे थे वो एक हॉन्टेड प्लेस था, जिसमें कि बेसिकली वो हॉन्ट हो रहे थे बाय अ लेडी। तो ये सारा चैप्टर में जो ईश्वरन और महेंद्र है उन्होंने बेसिकली ये फील किया कि वहाँ पर एक लेडी घोस्ट यानी कि एक भूतिया घर था वो, जिसमें वो लोग रह रहे थे, एंड दैट वाज रियली रियली फियरफुल एंड फ्राइटेंड टू लिव इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।